हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज हम बात करेंगे एस्ट्रल लिमिटेड स्टॉक के बारे में और इसमें जानेंगे क्या लेवल्स खरीदारी के बन सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो यहाँ से हम देखें तो स्टॉक में एक रेजिस्टेंस लेवल है जो 2056 के आसपास है और एक सपोर्ट लेवल है जो 1773 के आसपास है। तो यहाँ पे आपने देखा कि स्टॉक इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। इस रेंज में ट्रेड कर रहा है, सपोर्ट के बाद रेजिस्टेंस, फिर नीचे आया हल्का ऊपर, फिर नीचे सपोर्ट, फिर से ऊपर। तो इस तरह से स्टॉक में अभी अवॉइड करेंगे तो ठीक रहेगा। हालांकि जो ये गैप है काफी बड़ा है, अगर हम इस गैप को देखेंगे तो ये गैप हमारा 16% का बनता है, लेकिन इसमें आप गलती से भी बीच में एंट्री नहीं लेंगे। मतलब गलती से भी आप यहाँ पे एंट्री, ठीक है, या फिर यहाँ पे एंट्री, या फिर यहाँ पे एंट्री नहीं लेना है। हमें वेट करना है स्टॉक का सपोर्ट पर आने का। इस तरह की स्थिति बनेगी तब हम एंट्री लेंगे, नहीं तो स्टॉक से दूर रहना बेटर है, ठीक है। क्योंकि आपने देखा यहाँ पे आया स्टॉक नीचे, फिर से बी सेफ में रिकवरी हुई है, यहाँ पे आया सपोर्ट पे, बी सेफ में रिकवरी हुई है, ठीक है। तो हमारे लिए स्थिति यही होगी कि हम सपोर्ट पर बाय करें, क्योंकि हमारा रिस्क बहुत छोटा हो जाएगा, स्टॉप लॉस हमारा बहुत छोटा होगा। तो इस तरह से हम स्टॉक में जाएंगे, नहीं तो अभी अवॉइड करेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि स्टॉक में कोई ट्रेंड नहीं है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, राम राम।